हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर फ्रेंड सुमित राज। मैं आपको लेकर आया छत्रपति संभाजी महाराज उद्यान जयमरो, जहाँ पे हो रहा है फल फूल और सब्जियों का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जीबिशन। अब मेरे पीछे आप बैकग्राउंड तो देख ही सकते हो कि कितना सुंदर बैकग्राउंड बनाया है। इससे आप अंदाजा लगा लो कि कितना बेस्ट ये एग्जीबिशन होने वाला है। अभी इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, इनॉग्रेशन होगा 11 बजे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। आर यू एक्साइटेड? तो चलो चलते हैं। मैंने ली थी एमसीक्यू, उसको देखा कि शायद एंट्री करते हैं। चलो देखते हैं अंदर जाके क्या सीन। फाइनली मुझे तो एंट्री मिल गई है, अब अंदर चलते हैं और अंदर एक्सप्लोर। अंदर आते ही मेरा स्वागत किया है ब्यूटीफुल फूल वर्क उसके बाद। यहाँ पे अगर आप देखो मेरे पीछे ब्यूटीफुल से सेल्फी पॉइंट है, जिसमें आप अपनी सेल्फी ले सकते हो। ठीक है, आना जरूर, लेकिन आने की एक ही टर्म है, इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पर रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। इसके बाद आपको एंट्री फीस नहीं है, ऐप डाउनलोड करना पेंडेड है। ओके, चलो एक्सप्लोर करते हैं। अंदर देखते हैं और क्या मिलने वाला है। मुझे एक बहुत एक्साइटिंग चीज दिखी मेरे पीछे, देखना चाहते हैं? चलो दिखाते हैं। आप ना सिर्फ सब्जी और फूलों का एक तो हो रहा है, बल्कि बहुत से डेकोरेटिव आइटम्स भी बने हुए हैं। फूलों का और सब्जियों का यूज करके इन्होंने इतने ब्यूटीफुल वाला डेकोरेशन किया ना, मजा आ गया। बढ़िया वाली शॉर्ट फिल्म है, तो मैंने दिखा पाया क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है, इसलिए मैं पूरी फिल्म नहीं दिखा पाया। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये फिल्म जरूर देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सही बनी हुई है। इसी मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव हो गया। आज़ादी को एक पिक्चर या एक ऐसे स्टैचू के माध्यम से कैसे दिखाना है ना, वो यहाँ पे बहुत सही तरीके से दिखाया हुआ है। एक बार वो देखो। जानकारी मतलब नाम दिए गए, जानकारी नाम दिए गए, ऐसे ऐसे नाम मैंने सुने भी नहीं। देखते हैं बहुत सी चीज़ें हैं वैसे यहाँ पे। देखते मतलब अभी तक आप ब्लॉग देख रहे हो ना, बहुत वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे ना, कुछ इंटरेस्टिंग मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो हैं जो हमारे घर में मिलती है, उनके प्लांट्स आपने कभी देखे? आपने कभी अजवाइन का प्लांट देखा? नहीं देखा मेरे पास। तो ऐसी ना बहुत सी जड़ी बूटी वाली भी चीज़ें जो हमारे घर में आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, लेकिन उनके प्लांट में पता नहीं है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हैं। ये भी आपको मिलेगा, आपको बिल्कुल नॉलेज भी मिलेगी। और उसी के साथ उन्होंने ना जानकारी भी लिख रही थी आपकी ये प्लांट कितनी यूज़ होता है। एक अजवाइन है, आपको गैस वगैरह का कोई इशू है तो वो उन्होंने लिख के रखा है, दूसरा लगना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें लिख के रखी, तो वो नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आना बनता है ना। चलो आगे जाते हैं। जानकारी के तौर पर इन्होंने लिखा है सदाफुली। सदाफुली किसी है, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई इशू है या शुगर है उसके लिए मिल जाएगा। उसके बाद सब्जा है, पाचन क्रिया ठीक करने के लिए आप सब्जा खा सकते हो, बेसिल लीव्स। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आयुर्वेदिक प्लांट हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। स्पेशली ना हरमार है यहाँ पे, ये देखो योग मुद्रा में लेडी बनाई है, वो भी सेवंती के फूलों को यूज़ करेंगे। और एक है हमारे देश का राष्ट्रपति मोर, अब उसको भी ना इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाया है,
यूजिंग झेंडू के फूल, शेवंती फूल और कुछ अलग अलग फूल के नाम मुझे पता नहीं, लेकिन आप मोर देखो बहुत। जो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो मैं कब से सुन रहा हूँ, मुझे लगा कोई म्यूजिक बजा रहा है बट, लेकिन ये म्यूजिक आपको ही बजाना है। कैसे, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब भी इंटरेस्टिंग पियानो की म्यूजिक मैं सुन रहा था, मुझे लगा कोई टेस्ट कर रहा है, एक्चुअली वो पियानो की म्यूजिक नहीं थी, वो था इसका साउंड। ये क्रिएशन है राधे अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने ये म्यूजिक बनाया। आप इस पर जब वॉक करोगे तो ये म्यूजिक प्ले होगा, ये आपके अलग अलग म्यूजिक भी आपको ऐड करके इसमें दे सकते हो। अब इसके बारे में जानकारी ना उन्हीं से जानकारी लेते हैं। हेलो, माझं नाव राधनी अग्निहोत्री, माझं सुदास सामगान क्रिएशन्स नावाचं स्टार्टअप आहे आणि मी सांदीपनी ऋषी गुरुकुलातून लहानपणापासून वाढलेली आहे आणि तिकडनं मी माझं स्टार्टअप काढलेलं आहे आणि हे माझं प्रोडक्ट सूर सोपान सांगीतिक पायऱ्या, ज्या तुमच्या आवडीचं गाणं आम्ही इथे बसवून देऊ शकतो। तुम्हाला आवडलं तर आम्हाला नक्कीच आत्ता संभाजी पार्कमध्ये भेट द्या, तुम्हाला अजून माहिती इथे कळेलच तुम्ही आम्हाला भेटल्यावर। ॲक्च्युली लहानपणापासून एक सूरसंगम नावाचा मूवी आहे, त्याच्यात एक तो लहान शिष्य असतो, तो रूममध्ये पळत जातो आणि तेव्हा ते संगीत वाजतं, तर ते कसं वाजलं तसं मला काहीतरी क्रिएट करायचं होतं, म्हणून हे मी माझ्या आचरणसोबत हे क्रिएट केलेलं आहे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, यहाँ पे विजिट करना मत भूलना। सिर्फ ये आज यानी कि सैटरडे और कल संडे, ये दो ही दिन है, तो अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जरूर आ जाना, यहाँ पे बहुत मजा आएगा। सो गाइस, दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शो। बाय।